नमस्कार, मैं हूं जगतपाल और आप देख रहे हैं आशीष न्यूज। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र का चुनाव बहुत दंगल के स्टेज पर खड़ा है और विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी राग अलाप रहे हैं, अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अपना अपना ग्राउंड रूट बना रहे हैं। और आज हमारा आशीष न्यूज के स्टूडियोज में हम एक ऐसे नेत्री कह सकते हैं, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है और चर्चा का विषय है कि किस प्रकार की चुनावी तैयारी कर रहे हैं। और वो कोई नहीं है, वो कुख्यात एक अपराधी कुंदन पाहन की धर्मपत्नी आशा आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और हम उनसे अब चर्चा करेंगे कि राजनीतिक का जो ये सेकेंड फेज का नया एक चुनावी मैदान में है, वो कैसे इसका सामना करेंगी और क्या विजन लेकर के वो समाज में आना चाहती हैं या तो कुंदन पाहन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे, तो आइए, स्टूडियो में मौजूद हैं आशा देवी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी नमस्कार। सबसे पहले सवाल कि आपके पति कुंदन पाहन अभी जेल में बंद हैं और चुनावी मैदान में वो अभी तक पहुंचे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चुनाव मैदान में खड़े हो चुके हैं, तो क्यों वो चुनाव के मैदान में आए हैं और क्या चाहते हैं चुनाव के माध्यम से आने वाले टाइम में? चुनाव का मैदान में अभी उतरे हैं, अभी मैंने वो तो जेल के अंदर में है और अभी हम लोग यहाँ फील्ड में अभी घूम रहे हैं। कहे कि चुनाव मैदान में जब उतरे हैं तो लोगों को मैंने समझा रहे हैं और समाज सेवा करना चाहते हैं और जितना भी समस्या सब है, बहुत जगह हम लोग घूमे, बहुत जगह देखे और बहुत से समस्या भी रखे हैं, तो वो सब चीज़ें पूरी नहीं हो रही है, तो वह सब चीज़ पूरी करने के लिए आज चुनाव मैदान में उतरे हैं। ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा एक प्रश्न ये भी आता है मैडम, आप ये बताइए कि एक अच्छा व्यक्ति बढ़िया काम करके समाज में कहीं ना कहीं चुनाव के मैदान में उतरता है, जबकि कुंदन पाहन के नाम पे लगभग मीडिया के आधार पर 128 केस उसके अंदर में दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में समाज उनको कैसे मानेगा, कैसे उनको वोट देगा, समाज उनको आखिर किस तरीके से स्वीकार करेगा, आप इसमें क्या कहेंगे? जी देखिए, इसमें उसका जितना भी केसेस है वो सब देखिए सब झूठ मूठ का दिया गया है और पूरा हमको यकीन है कि ये सब केस पूरा ख़त्म हो जाएगा और ये सब क्या बोलेंगे पूरा मतलब ख़त्म हो जाएगा और पूरा जनता हमको सपोर्ट करती है और पूरा जीतने का उम्मीद है। ये तो सही है कि आपको ऐसा लगता है कि उसके मीडिया का जो खबर है उसमें आप इसको खंडन कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप वोट में आ रहे हैं तो लोग कुंदन पाहन का क्या विजन है, किस तरह का सोच के साथ वो समाज के अंदर में आना चाह रहे हैं और क्या समाज के लिए करना चाहते हैं? समाज के लिए देखिए, पहले भी हम लोग तो गरीब घराना के बच्चे हैं और गरीब को हम लोग जानते हैं और गरीब क्या चीज़ होती है क्या नहीं होती है वो हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं, तो इसीलिए हम लोग खुद जानते हैं कि गरीबी क्या होती है, इसीलिए तरह मैंने जगह जगह में हम लोग घूमे, बहुत सा ऐसा समस्या है वो सब दूर नहीं हो पा रही है, तो पहले ऐसे मैंने पहले तो थे मैंने जंगल में थे और घूम रहे थे, मैंने उस रास्ता में जाके गरीबी दूर करेंगे बोल के चले थे, लेकिन वो रास्ता गलत था और वो रास्ता पकड़ मैंने चले थे, उसको हम लोग बाद में फिर उसको हम मैंने पत्नी धर्म होने के नाते उसको हम समझाए कि ये रास्ता जनता को सेवा करने का सही रास्ता नहीं होगा और उस रास्ता को छोड़ के आज ये रास्ते में चलने से अच्छा रहेगा बोल के समझा के आज इस रास्ते में चले। मेरा सवाल और एक है कि जैसे कि आप एक महिला हैं और कुंदन पाहन जेल में हैं, ऐसे में आप कैसे लोगों से जुड़ेंगे जबकि आपका राजनीति मतलब राजनीति का कोई भी परिदृश्य पीछे नहीं है आपका? जी, कैसे लोगों से जुड़ेंगे आप? देखिए, हम लोग तो राजनीति करने तो आए नहीं हैं और हम लोग को राजनीति भी नहीं आता है और अच्छी तरह से मैंने जानता समझती है कि मैंने राजनीति ये लोग को आता नहीं है और ये लोग राजनीति करते नहीं हैं, सीधा ये लोग काम करने जानता है, ये बहुत अच्छी तरह से पहले से भी जानता है और आज भी लोग जानते हैं। अच्छा, तो और एक चीज़ ये कि समाज में ध्रुवीकरण मुंडा जाति को लेकर बहुत सारा होता है, चुनौती है ये, तो ऐसे में आप इस कुनबा को कैसे समेटेंगे? इस कुनबा को समेटने के लिए बहुत लगे हुए हैं और आज सब जनता हमको मान रही है, इज्जत भी दे रही है, सम्मान भी दे रही है,
इस उम्मीद के साथ हम बहुत माने खुश हैं कि आज हमको जनता साथ में है। मेरा पति भले ही जेल के अंदर में है लेकिन आज मेरे साथ जनता खड़ी है। इस उम्मीद से हम आज इस चुनाव मैदान में उतरे हैं। अभी आप तमाड़ विधानसभा में हैं तो ये लोगों के जाकर पांच परगनिया में आप क्या बोलते हैं लोगों से? देखा पहलो मैंने जनता का सेवा करते हैं, अपना अपन जिंदगी अपन पूरा करियर के खराब कर लो के और मैंने जनता सेवा मैंने मैं चलमू ये मैंने जितना भी जनता समस्या है उगला सब दूर कर मु कोई के पहल जाए रहे बन घूरे तो बन मैंने जिस रास्ता मैंने चल रहे वो रास्ता मैंने जनता सेवा नहीं होलक तो हमारे सुझा बुझा के मैंने पत्नी धर्म होए के नाते कि वो रास्ता मैंने जनता के सेवा नहीं हुई तो ये वो रास्ता के छोड़ के आज इस रास्ता मैंने आले ठीक हुई और एखन जे चुनावी मैदान मैंने एखन मैंने मौका मिले तो वो मौका के छोड़ना नहीं है कि कहे कि पहले हमारे जनता सेवा मैंने चल रही और आइजो मैंने पहल के रास्ता मैंने हमारे जनता सेवा ठीक ढंग से हमारे नहीं कर ली जितना भी दुख तकलीफ रहे उगला नहीं समाधान कर पा ली तो आज इस रास्ता मैंने हमरे के आज मौका मिले तो अगर ऊपर हमरे के ले जाए मैंने पर लें जनता हमरे के सपोर्ट कर लें तो जितना भी समस्या है सब दूर करो। आप अपने क्षेत्रीय भाषा जो मुंडारी है आपका उसमें आप लोगों से क्या बोलिएगा अपने क्षेत्र में? जोहार दीदी दादा को आया किसान सीधा बुरु हो रहा सेनला यानी माओवादी हो रहा एना हो रहा सेन के आते जे भी गरीबी तय किना जे भी दुख तकलीफ तय किना रोड हो चाहे स्कूल हो चाहे दारा असुविधा तय किना एना को सीधा का ये धड़िए जना चिया ची सीधा एना को जदि कमी जाता है किना तब तो पुलिस को सेन के तो होड़ को दाल जा को तय किना और दाल के आते मैंने बतौन जा को तय किना ची आया पैसा ते आप नेकना पे क्रीन जिदा एनारा असुविधा पे लगाओ जिदा मनते मैंने किसिम किसिम रकम रकम रा मैंने आरोप जा को तय किना और बितार को डालाओ जा तय किना डालाओ जा को तय किना दो एनाते सीधा अकवा जे समस्या तय किना एना समस्या को काय दूर दड़िए जना दो ना जे चुनावी मैदान हिजू कना एना चुनावी मैदान रे तिसिंग हारगू कना दो आई सोबेन दादा दीदी तक जोहार जा को जोहार जगार जा को जी जितना भी मैंने पूरा आड़की क्षेत्र तमाड़ विधानसभा रन को ने बुंडू तमाड़ क्षेत्र रन को सोबेन को जो चिना कांची छापा रे कर्म साई का 8 नंबर रे दबाव के आते ढेर से ढेर वोट ओम के आते जिताओ धड़ी का और जे भी समय से मैंने गा एना को मैंने हाले अब और पूरा कोशिश रे मैंने आलिंग आलिंग चेना समय से को जान लेकर हालो का और अबुआ दिसुम रे अबुआ राज निमन के काजी के आते जोहार सबन को। ये थे हमारे बीच में आशा मैडम आशा देवी कुंदन पाहन की धर्मपत्नी जो आज हमारे स्टूडियो में आ करके अपने विचारों को रख रही थी और कुंदन पाहन का प्रतिनिधित्व करते हुए झारखंड पार्टी से ये चुनावी मैदान पे खड़ी हैं और जनताओं से बात कर रही थी और अपनी चीज़ों को रख रही थी कि किस प्रकार ये लोगों से जुड़ेंगे और किस प्रकार आने वाले वक्त में ये चुनाव के मैदान में खड़े हैं। आप तमाम न्यूज़ के साथ तमाम खबरों के साथ बने रहिए आशीष न्यूज़ के साथ। धन्यवाद धन्यवाद।